أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم دو آيات مباركة میں نے پڑھی ہیں پہلی آيات ग्यारहवें सिपारे में ये सूरह तौबा की आयत है आयत नंबर 119 जिसका तर्जमा ये है ए ईमान वालों अल्लाह से डरो डरना बमाना तकवा यानी बरबिनाए अजमत और उसकी बुजुर्ग बरतर हस्ती के सामने तकवा इख्तियार करो यानी उसके नाफरमानियों से बचते हुए ज़िंदगी गुजारो और वकूनु मा सादिकीन और इसमें आसानी तुम्हें जब होगी जब तुम नेक लोगों की सोहबत में बैठोगे और नेक लोगों औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन और अइम्मा मुस्तहिदीन इनकी सोहबत में बैठोगे तो इंशाअल्लाह इसमें तकवा का जौहर भी तुम्हें हासिल हो जाएगा और इसमें कामयाबी ही कामयाबी है। दूसरी आयत 22वें सिपारे में है, इसमें भी अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और कूलु क़ौलन सदीदा और जब कभी बात करो और बात करो सीधी और बिल्कुल साफ सुथरी और सीधी सादी बात करो यानी लगी लिपटी बातें नहीं करो और बेबुनियाद बातें नहीं करो। अगर तुमने तकवा और अपनी ज़बान दोनों की हिफाजत कर ली और तो अल्लाह ताला का वादा है युस्लिह लकुम आमालकुम तुम्हारे आमाल दुरुस्त हो जाएंगे दुनिया में वयग़फिर लकुम और तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे कि मालूम हुआ कि दुनिया का फ़ायदा ये है कि आपके आमाल अच्छे हो जाएँ आपकी हर हर अदा ठीक हो जाए और आखिरत का वादा यह है कि अल्लाह ताला गुनाहों को बख्श देंगे वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम और जो वमन युतिअल्लाह व रसूला और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे करते हैं फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा तो ये सनद दे दी है दुनिया की ज़िंदगी ही में कि ऐसे लोग जो हैं फौज़ अज़ीम यानी बड़ी कामयाबी उनकी होगी दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी ये इन दोनों आयतों का महासल था।